तो मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं साउथ मुंबई और हमारे वहाँ पे काम है, सो आपको भी दिखाते हैं साउथ मुंबई, सो लेट्स गो। और आज हमारे साथ है हरीश जी। हरीश जी स्मार्ट लग रहे हैं, सो लेट्स गो। सो अब निकल रहे हैं हम साउथ मुंबई के लिए, सो आपको भी दिखाएंगे बीच बीच में नज़ारे। सो अब हम निकल रहे हैं अपने घर से एग्जिट मारते हुए। अभी गाइस रास्ते में हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हॉट लिया था, सोचा चाय पीते हैं, फिर हरीश वाला की चाय आगे पीते हैं, तो चलते हैं अभी आगे, बस पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, आधे घंटे से 40 मिनट में। ट्रैफिक ठीक ठाक ही है, चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा आए थे, कुछ LIC का काम था और जस्ट अभी कंप्लीट हुआ, सो अब जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा हमने सोचा कि अभी साउथ मुंबई है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, जब जब आते हैं तो घूमने का मौका मिल जाता है। तो कहाँ जाएंगे ऋषि? अभी गेट ऑफ देखते हैं। तो अभी हम जाएंगे गेट पे और आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। और अभी हो गया है मुंबई और हम घूमने आए यहाँ पे। मैं ये है फोर्ट, और गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और ये है जहांगीर आर्ट गैलरी, और ये रही आर्ट गैलरी। इसके बाद हम अब पहुंचने वाले हैं रिगल में, उससे पहले यहाँ पे आएगा म्यूजियम, और ये है यहाँ का म्यूजियम। और अब हम पहुंच गए हैं रिगल, हम पहुंचने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और जिसे आप सामने देख रहे हो धीरे धीरे रोड खत्म होते हुए, और ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया हमारे सामने। है सामने ताज होटल, और ताज के लेफ्ट में है गेटवे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ गेटवे उतर के पूरा, और ये ताज होटल। गाइस अब हम आ गए हैं गेटवे में, और ये है मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया, आप देख रहे हो, और ये पूरा विशाल समुंदर, ये रहा गेटवे। आप जो देख रहे हो ये है होटल ताज। अभी हम लोग हैं कोलाबा कॉजवे में, और बचपन में हम लोग यहाँ बहुत आया करते थे। स्पेशली अगर आप यहाँ नाइट में आओ तो नाइट में अलग ही यहाँ का जो माहौल है, मौसम है, रहता है। आप आराम से घूमो, शॉपिंग करो, आप जैसे आप देख रहे हो राइट साइड में। सो ये आ गया मेट्रो, यहाँ से हम लोग किसी टाइम में शूज़ लिया करते थे बचपन में। सो लाइक ओवरऑल ये काफ़ी मतलब अच्छी जगह है, स्पेशली अगर आप नाइट में आओ आफ्टर 6 o'clock, तो ये घूमने लायक जगह है, काफ़ी बेस्ट साउथ मुंबई भी ऊपर से। और ये है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो गाइज अभी जा रहे हैं अपने घर वापस, थोड़ा काम था हो गया पूरा, और पहुँचेंगे लंच के लिए सीधा अपने घर, और अभी ऑन द वे है। बाहर हो रही है काफ़ी धूप, गर्मी है, 30-35 के करीब है टेम्परेचर। तो हरीश जी भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, AC ऑन करने के बाद भी उतनी राहत नहीं है जो होनी चाहिए, राइट? चलो कोई नहीं। तो गाइस अभी हैं घर पे, रेस्ट कर रहे हैं, और अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था बचपन में। तो हम लोग मतलब काफ़ी इसे मतलब यूज़ करते थे, कभी सीखा कभी नहीं सीखा, तो थोड़ा सा इच्छा थी कि वापस लें। सो गाइज मैंने ये लिया, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते थे, वैसे तो हारमोनिका बोलते हैं पर हम इसको बोलते थे माउथ ऑर्गन। तो सीखते हैं, देखते हैं कुछ मतलब बजा के, अगर इसको सीखते हैं, अगर सीख गए तो लेट्स सी। उतना तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं बजाया, तो मतलब बचपन में एक दो सॉन्ग सीखे थे, पर आई थिंक वापस ब्रश अप करने पड़ेंगे।
सो लेट्स सी, देखते हैं अगर आगे कुछ एक दो टोन मतलब आगे देख सीखते हैं, अगर कुछ टोन सीख गए तो ज़रूर अगले वीडियो में या उसके आगे वीडियो में बजाने की कोशिश करेंगे। सो बस गाइस, आज का दिन ऐसे ख़त्म हुआ, मॉर्निंग में काम था, काम करने के बाद हम लोग घूम घाम के आ गए घर पे, जो थोड़े बेसिक काम थे वो किए, थोड़ा घर से थोड़ा सा काम भी था वो ऑनलाइन काम, तो आजकल ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा हर जगह लैपटॉप चाहिए, आजकल तो फ़ोन से भी काम हो जा रहा है, इतने एप्लीकेशन बन गए हैं कि इट इज़ ईजी टू वर्क, मतलब रिमोट जो बोलते हैं काम करना, हमारा जो स्मार्टफोन है वो रिमोट ही बन गया है, कहीं से भी काम करो, आप गाड़ी में बैठ के काम करो, घर में बैठ के काम करो, रेस्टोरेंट में काम करो, कैफ़े में करो, घूमते घूमते काम करो, सो लाइक काम करना तो ईजी हो गया, बट स्टिल ऑफिस का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑफिस का ही रहता है, बट नो प्रॉब्लम, जब तक वर्क फ्रॉम होम है लेट इट बी। सो बस गाइज, ऐसी वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।